अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज ये नॉर्मल वीडियो है, व्लॉग नहीं है, वो ट्रैप हुए हैं, व्हाट्सएप ट्रैप। और चौहान साहब, आपको भी मसले हुए हैं मूवी कैश? जी, मुझे के मूवी कैश वालों को, मूवी कैश और व्हाट्सएप, ये आजकल हर बंदा यूज़ कर रहा है। और सात इदारों का नाम लेते हैं तो हर बंदा कहता है यार ये हमारी सेफ्टी के लिए करा होगा, लेकिन आपको अपना हक समझना चाहिए। सात इदारे हैं तो आपको नॉर्मल नंबर से कॉल नहीं करेंगे। सीन कुछ ऐसा हुआ है कि दो दिन पहले मेरे कज़न हैं और मेरे भाई हैं, उनको कॉल आई है कि हम व्हाट्सएप से कॉल कर रहे हैं आप, हम हसास इदारे से कॉल कर रहे हैं और आपको हम चार हिंसों का कोड अभी आएगा आपके नंबर पे, आप हमें बताइएगा तो आपका जो व्हाट्सएप है हम उसको क्लीन करना चाह रहे हैं, उसके कोई इश्यूज चल रहे हैं। उसके बाद जब आप उनको नंबर दे देते हैं ट्रैप में आके, वो मतलब बड़े रोब से बात करेंगे। मतलब मुझे भी कॉल आई है, मैं इनका आपको पूरा कंप्लीट बताता हूँ प्रोसेस क्या होता है। ये आपका नंबर मिला के व्हाट्सएप पे, और आपके जब नंबर पे आती है वेरिफिकेशन कॉल तो वो फ़ौरन ही किसी और नंबर से कॉल करते हैं और आपसे वो वेरीफाई करके व्हाट्सएप को इलीगली यूज़ करते हैं। मतलब पता नहीं क्या यूज़ कर कैसे करते हैं। एक तो आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो सारे वो हैक कर लेते हैं, जैसे चैट्स वगैरह होती हैं, और जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे ना उन सब के साथ यही सीन होता है। मतलब ये नेटवर्क चलता रहता है मतलब लंबा। अगर आपके फ्रेंड का हैक हुआ तो फिर आपका भी हैक होगा, जितने भी उसके अंदर कॉन्टैक्ट्स होंगे सारों को वो कॉल करेंगे और उनको सब ट्रैप करते हैं, करके फिर वो कॉल करते हैं कि अगर आपने अनब्लॉक करवाना है तो आप हमें इतने पैसे दें, 20,000 दें, 10,000 दें, फिर हम आपका अनब्लॉक करवाते हैं। हो जाता है जब आपका अकाउंट बंद हो जाता है और दोबारा आप ट्राई करते हैं बनाने की और उनको वेरिफिकेशन भेजते हैं और वेरीफाई नहीं आता, तो व्हाट्सएप कहता है कि आपके जो इलीगल यूज़ की वजह से आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो बैन हो गया। तो इस चक्कर की वजह से मुझे वीडियो बनानी पड़ गई है अभी था, और उसके बाद दोबारा भी अकाउंट नहीं बनता। मतलब दोबारा जब आप अकाउंट बनाते हैं तो वो आता है कि आपका जो है अकाउंट बैन कर दिया गया है, क्योंकि आपने इलीगल टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर आप पूरे नहीं उतरे हैं और आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया। अगर आपको ऐसी कॉल आती है हसास इदारे से, तो हसास इदारे से पहली बात तो आपको कॉल नहीं आएगी ऐसे अननोन नंबर से। मुझे ख़ुद कॉल आई है, जैसे उनका ट्रैप हुआ है, उनका हुआ है 12 बजे ट्रैप, और मुझे तकरीबन कोई 4 बजे कॉल आई है फ्राइडे को। मुझे 4 बजे कॉल आई है फ्राइडे को, 12 बजे उनका ट्रैप हुआ है, उनके कॉन्टैक्ट से लेके मुझे कॉल आई है। मुझे समझ आ गई थी, मैंने कॉल किया तो मैंने कहा भाई मैं क्यों बताऊँ, उसने कहा आपको हम ये भी बोल रहे हैं। मैंने कहा यार अपना पी ए नंबर बताओ, हमें तसल्ली कराओ कि आप मतलब रिक्वायर्ड इदारे से हैं। तो उसने 2-3 गालियाँ निकाली और बंद कर दिया, ठीक है। और ये सीन है, तो मैंने कहा यार अगर काफ़ी सारे लोग हैं, ये काफ़ी वायरल होता जा रहा है, जैसे ही एक बंदा ट्रैप होता तो 10-15 आराम से अगले ट्रैप हो जाते हैं। यार वाकई कोई हसास इदारों का कोई सीन होगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। हसास इदारों को और कोई काम नहीं है, आपको कॉल करेगा और आपके व्हाट्सएप क्लीन करेगा। इनके साथ भी सीन हुआ है मूवी कैश के। मूवी कैश का ये है कि जी आपको किसी अननोन नंबर से कॉल आएगी। मतलब सबसे पहले तो बात यह है कि अगर आपको ऑफिशियल जैज़ वाले जो है वो कॉल करेंगे तो वो कॉल आपको करेंगे जैज़ से, मतलब 111 से कॉल आएगी, हेल्पलाइन से जो उनका ऑफिशियल नंबर होता है वहाँ से, आपको लोकल नंबर से कॉल नहीं आएगी। अब पहले तो आप यही समझें कि लोकल नंबर से आएगी, उसके बाद वो आपको कहेंगे कि जी आपका जो जैज़ कैश है वो 3 महीने के लिए हम सस्पेंड कर रहे हैं, कोई ख़राबियाँ आ गई हैं उसकी वजह से आपको जो है आपके जितने भी अमाउंट अंदर पड़ी होगी वो सब ज़ाया हो जाएगी, तो आप मेहरबानी करके हमें जो आपका 4 हिंसे हैं वो आप बता दें, जो कोड है आपका। तो आप जैसे कोड बताएंगे जितनी भी आपकी रकम है वो उसी टाइम उन्होंने अपने अकाउंट में मुंतकिल कर लेनी है, और इसका कोई भी उनके पास सबूत आपके पास नहीं होगा, वो चलेगी तो चलेगी। इसीलिए जो है वो जैज़ वाले आपको बार बार कहते हैं कि किसी हमारे नुमाइंदे को भी 4 हिस्से ना बताएं। इसका एक बेहतरीन हल ये है कि साइबर क्राइम वालों ने, मतलब ये जो पुलिस वाले हैं उन्होंने एक इदारा है उनका, आपके पास करीब जितना भी जो है आपका मुतलका थाना है आप उधर जाएं, जिस नंबर से आपको कॉल आई है आप पहले तो नंबर 1 उसको आपने पूरे डिटेल नहीं बतानी, ना आपने कोड बताने हैं। दूसरा आप वो नंबर नोट करके जाएंगे, जाने के बाद जो है वो आप जाके जो है उन्हें बताएंगे इस नंबर से मुझे यूं यूं कॉल आया, तो वो साइबर क्राइम का एक केस बना के वो उसके ऊपर वो नंबर डाल लेगा और आपकी जान छूट जाएगी। तो आपको जैसे भी अगर कॉल आए यहाँ से आ जाए या आपको व्हाट्सएप वाली कॉल आए तो आप उसकी बात सुन लें, सुन के आप उसको कॉल कर दें। आप उसको कोई इन्फॉर्मेशन ना दें, बराए मेहरबानी कोई इन्फॉर्मेशन ना दें, वो जो भी कह रहे हो सब वो आपके साथ झूठ बोल रहे हैं। आपने अवेयर रहना है, कोई ऐसा सीन नहीं है। मेरे कज़न के साथ ऐसा हुआ, उसने 2,000 दिया, उसने 20,000 मांगे, उसने 2,000 दिया, फिर 2,000 और दिया, जब 5,000 दिया उसने फिर अपना अकाउंट नया बना लिया किसी और नंबर पे, उस अकाउंट पे दोबारा अकाउंट नहीं बन सकता। मतलब इस टाइप का वो इलीगल यूज़ करते हैं आपका व्हाट्सएप, तो अपना आप ख्याल रखिएगा। ऐसे ही काफ़ी सारे स्कैम्स हैं जिनसे आपको बच के रहना है, और आपने मतलब ट्रैप में नहीं आना किसी की।
क्योंकि मैंने स्टोरी पे भी लगाया था ये, और काफ़ी सारे दोस्तों ने कहा था कि यार हमारे साथ हुआ है, हमारे दोस्तों के साथ ऐसे हुआ है। क्योंकि एक दोस्त का होता है तो फिर वो जितने भी कॉन्टैक्ट इसमें होते हैं सबको कॉल करते हैं, और जो ट्रैप में आ जाता है उसको फिर उसके कॉन्टैक्ट लेके फिर नेक्स्ट करते रहते हैं, उनका बड़ा बहुत बड़ा नेटवर्क बन चुका हुआ है। तो प्लीज़ आप उनको कोई रिस्पॉन्ड ना करें। ये था आज का हमारा सोशल मैसेज, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, काफ़ी सारे लोगों को जो है उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए इस टाइप की, तो लाजमी करें। मज़ीद भी इन्फॉर्मेशन इस टाइप की अगर हमें मिलेगी, मेरे पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, मैं शायद एक और वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप भी अवेयर रहें। ये था बाकी आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए।